गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज वॉल्ट। यस दोस्तों, आज हम लोग एंटर कर रहे हैं अपने नवे सेशन में। नाइन्थ सेशन है हमारी इस IBPS PO मेंस की सीरीज का, जिसमें हम लोग IBPS PO मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के भी हमारे जो क्वेश्चन है, दे आर टोटली बेस्ड ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। तो DI से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एक केसलेट DI है, एक टेबल चार्ट हमने प्रिपेयर किया है बेस्ड ऑन परसेंटेज डेटा, एंड एक मिसलेनियस DI है। तो हम सीखेंगे दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा इस सेशन के लिए, और सबसे पहले सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़ सकें। ओके, यस तानिया जी, थैंक यू वेरी मच। बस बने रहिए इसी तरह से, और अपने दोस्तों को भी रेफर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देख सकें और उन तक हमारे जो व्यूज़ हैं या जो हमारे कंसेप्ट हैं वो पहुँच सकें, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से, सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत शानदार क्वेश्चन आज हम कवर करने जा रहे हैं। दो बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो आपको DI का एक पूरा एक आस्पेक्ट क्लियर करके देंगे। पहला क्वेश्चन कंपैरेटिवली काफ़ी आसान है, लेकिन ज़बरदस्त क्वेश्चन है उसके, तो फंसना है, फंसेंगे उसमें काफ़ी लोग, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ अभी से, तो कवर करते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, ये हमारी अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट का टीम है, जो आप लोगों को बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए एक शानदार कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों 3 बजे और 7 बजे ये मेरे लाइव टाइमिंग सेशंस हैं ऑन यूट्यूब वॉल्ट के ऊपर, जब मैं लाइव लेक्चर्स आप लोगों के लिए लेके आता हूं। जैसे अभी 7 बजे का समय है, तो 7 से 8 का मेरा सेशन चल रहा है। तो दिन में हर फैकल्टी 2 घंटे आप लोगों के लिए लाइव सेशंस लेके आते हैं, और बैंकिंग से रिलेटेड शानदार से शानदार कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा अनअकैडमी प्लस पे भी मेरे पेड बैचेस लाइव चल रहे हैं, तो अगर आप मुझे वहां पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कल से मेरे IBPS PO मेंस और IBPS क्लेरिकल प्रीलिम्स के बैच शुरू होने जा रहे हैं। 2 बैचेस हैं, एक 4:30 to 5:30 है, एक 5:30 to 6:30 है। तो दोनों बैचेस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प उसकी मिलने वाली है। दोस्तों इसके बाद अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, तो बेहद सिंपल है। अपने गूगल के प्ले स्टोर में जाके दोस्तों आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का टारगेट है, जैसे बैंकिंग एग्जामिनेशन अगर आपका टारगेट है तो उस गोल को सेलेक्ट कर लीजिए, और उससे रिलेटेड जो भी सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, वो अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर काफी सारे अनलिमिटेड फैसिलिटीज हैं जो आप लोगों को मिलते हैं, जिसमें से कुछ फैसिलिटीज ये हैं दोस्तों, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन विद योर एडुकेटर है, और लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं जिसमें आप अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पॉलिश या ब्रशअप कर सकते हैं। उसके अलावा सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप जितने भी फैकल्टी वहाँ पे लाइव पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, आप सभी के वीडियोस को लाइव देख सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों सब्सक्रिप्शन का जो पैटर्न है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 24 मंथ, ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, ऑन टाइम बेसिस पे हैं, ड्यूरेशन के हिसाब से हैं। तो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन लेंगे पर मंथ का जो कॉस्ट है वो उतना ही कम रहेगा। तो अगर आप एक साल का, जैसे एग्जाम्पल के लिए 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 4800 है, जहाँ पे मंथली कॉस्ट 800 पर मंथ है, और अगर आप एक साल के वही सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो उसका कॉस्टिंग 6000 रुपए हो जाता है, यानी मंथली कॉस्ट मात्र 500 रुपए बन जाती है। और इवन इतना ही नहीं, इसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट आपको और मिल सकता है अगर आप मेरा कोड यूज करें, विच इज लोकेश लाइफ। तो दोस्तों ये कोड अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट मिल जाता है, यानी जो कोड 6000 रुपए का था एक साल के लिए, वो मात्र 5400 रुपए में आप अवेल कर सकते हैं। उसी तरह से 2 साल का जो स्ट्रक्चर है वो है 9600 रुपए के लिए, और अगर आप ये कोड अप्लाई कर रहे हैं विच इज लोकेश लाइफ, तो ये आपको 10% का डिस्काउंट दे देता है, और आपका जो कोर्स हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों 8640 रुपए पे। सो जल्दी से, ऑल आर रेडी फॉर टुडे सेशन? मैम एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, नेट का इश्यू हो सकता है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, ऑल आर रेडी, जल्दी से। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो लेट ज्वाइन करते जा रहे हैं, प्लीज सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ये करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है दोस्तों, ट्राई टू सॉल्व दिस, बनाइएगा। इसके लिए मैं आपको मात्र 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई नहीं सुमित, हम जुड़ेंगे, हम करेंगे, ठीक है ना। सुजीत कुमार जी क्या लिखे हैं, 8640।
बनाइएगा दोस्तों, क्या रहेगा आंसर? ये केसलेट डीआई दिया गया है, काफी सारा इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। चलिए जल्दी से ट्राई करिए इसको। नहीं कोई इशू नहीं अर्पिता जी, मैं क्लियर करूंगा। गुड इवनिंग संगीता जी, वेरी गुड इवनिंग। ओके ओके, बनाइए बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ इससे क्लैरिटी होगी। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब जो इसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो बहुत शानदार है। सुजीत जी कह रहे गुम हो गए, कोई बात नहीं, आराम से बनाइए। ओके प्रीत कौर जी का आंसर आ रहा है 89%। ओके चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? इतनी देर में बन जाना चाहिए था। चलिए मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है? जिसका बना बहुत अच्छी बात है, जो बना रहे हैं प्लीज बनाते रहिए, रुकेगा मत, ठीक है ना? अगर बन रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सही जा रहा है, तो प्लीज बनाते रहिएगा। मैं इसको पहले पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है दोस्तों? यस वंदना जी, वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़िएगा। देखिए इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले 3 साल का डेटा दिया गया है किसी कंपनी के, प्रोडक्शन, सेल, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो ये 4 चीजों का डेटा दिया जा रहा है, तो आपको ये चारों को डेटा को निकालना है। कंपनी एक ही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन पूरा डेटा आपको निकालना है। तो 3 साल का डेटा दे रहे हैं, ठीक है? अगर हम बात करें डेटा के ऊपर, तो डेटा क्या है, किस तरह से है, वो थोड़ा सा देखिएगा। तो देखिए 3 साल का डेटा दिया है, 2017 के लिए, 18 के लिए और 2019 के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्शन के ऊपर, तो प्रोडक्शन के बारे में इन्होंने बात किया है, कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स इन 2019 is 198, ठीक है ना? तो यानी 19 का जो प्रोडक्शन है दोस्तों वो है 198 गिवन है। फिर ये कहता है विच इंक्रीज्ड बाय 37.5% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, जो कि 2018 से, यानी प्रीवियस ईयर यानी 18 से कितना इंक्रीज हुआ है, 37.5। तो दोस्तों 37.5 का मतलब होता है 3/8, तो अगर आप उसका 8 मानते हैं तो 3 से इंक्रीज हो गया, यानी इनका रेशियो होगा 8:11। तो अगर ये 198 है तो ये 18 टाइम्स हो जाता है, तो ये भी 18 × 8 यानी 144, तो 144 बनेगा, क्लियर है? आगे कहता है प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, ओके इन ईयर 2018 प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम 17, तो 17 से 20% बढ़ा है, यानी इनके बीच का जो रेशियो रहेगा दोस्तों 5:6 रहा होगा। तो अगर ये 144 है तो ये 120 बन के निकलेगा, तो यानी इट इज 120, क्लियर हुआ? तो प्रोडक्शन तीनों का आराम से मिल जाएगा दोस्तों। आगे फिर ये कहता है कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल,
इन 2018 इज रुपी 25। तो 2018 में जो कॉस्ट है, यहां पे कॉस्ट की बात की जा रही है, तो पर आर्टिकल जो कॉस्ट दिया है वो है 25 रुपए का। फिर ये कहता है विच हैज इंक्रीज बाय 7/18 फ्रॉम प्रीवियस ईयर। तो ये 7/18 से इंक्रीज हुआ है, यानी इसकी पुरानी और नई कॉस्ट का रेशियो 18:25 होगा। तो अगर ये खुद ही 25 है, यानी पुरानी कॉस्ट 18 रही होगी। ठीक है, आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल इन 2017 एंड 19 इज 3:5। तो 17 और 19 का जो रेशियो है दोस्तों कॉस्ट का, वो है 3:5 का। तो ये अगर 18 है तो यानी 3 के रेशियो में 6 गुना हो रहा है, तो ये 30 निकल के आएगा। तो तीनों का कॉस्ट आ जाएगा ईयर वाइज। आगे कहता है रेशियो ऑफ द सेल प्राइस पर आर्टिकल इन 2018 एंड 19 इज 9:10। तो 18 और 19 का रेशियो दे रहा है, ठीक है, सेल के बारे में बात हो रही है, सेल प्राइस। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो रेशियो है, 18 और 19 का जो रेशियो है वो है 9:10, बट वैल्यू नहीं पता है। उसके बाद ये कहता है सेलिंग प्राइस का ही रेशियो फिर से दे रहा है, 17 और 18 का 7:9 है। तो देखिए 9 दोनों में कॉमन है 18 में, तो यानी इनको क्लब कर सकते थे। तो यानी इन तीनों का जो रेशियो बनेगा 7, 9 और 10 निकल के आएगा, तीनों का रेशियो। तो अभी वैल्यू नहीं पता है, तो इसने वैल्यू के लिए हिंट दिया है। वो कहता है डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस ऑफ 2017 एंड 19 इज 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 2019। तो कहता है 17 और 19 का जो सेल में डिफरेंस है, तो देखिए इसका प्राइस 7 है, ये 10 है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 3 का डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, तो दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2019। तो 19 का कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 30, और उसका 50% यानी 15। तो बेसिकली इन दोनों के कॉस्ट में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 15 का डिफरेंस है। तो 7 और 10 में डिफरेंस 3 हो गया, यानी देयर कॉमन फैक्टर इज 5। तो इन तीनों का सेलिंग प्राइस मिलेगा दोस्तों 35, 45 एंड 50। ओके विद दैट। तो ये चारों चीजें हमारी, तीन चीजें अभी निकली, अभी सेल बचा हुआ है, सेल के बारे में बात करते हैं। तो ये कहता है द अनसोल्ड आर्टिकल इन 2017 आर 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन सेम ईयर। तो 17 का जो अनसोल्ड प्रोडक्ट है वो कितने हैं, यानी अनसोल्ड कितने रह गए हैं, तो सेल कितनी हुई है, तो 60% हुई होगी। तो यहां बात की जा रही है सेल ऑफ प्रोडक्ट की, तो यानी 40% अनसोल्ड है, यानी सेल कितना हुआ होगा 60%। तो दोस्तों 120 का 60% कितना रहेगा, 72 रहेगा। क्लियर हुआ, आगे जुड़ेंगे, ध्यान से समझना। फिर ये कहता है रेशियो ऑफ द सेल ऑफ आर्टिकल 18 और 19 इज 17:25। तो इन दोनों का जो रेशियो है दोस्तों सेल का, वो कितना है, 17 और 25 है। फिर ये कहते हैं सेल इन 2018 इज इंक्रीज्ड बाय 41.3% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों 41.3 होता क्या है, अगर आप बात करें तो दोस्तों 41.3 इसको आप दो तीन एंगल से देख सकते हो, चाहे आप इसको परसेंटेज में बदल दो। 41.3 जो होता है दोस्तों, ये निकल के आता है आपका 125/3। परसेंटेज की वजह से 100 नीचे लगेगा, 25 से आएगा 5/4, तो ये होता है 5/12। यानी इसका जो सेल है दोस्तों वो 5/12 बढ़ जाएगा, किससे, 72 से। तो 72 का 5/12 अगर आप लेते हो दोस्तों, तो ये रहता है 30, ठीक है ना, 6 बार जाएगा, 6 × 5 यानी 30। तो इसका सेल निकलेगा दोस्तों 102, और इन दोनों का रेशियो दिया है 17 और 25 का। तो अगर ये 17 का है तो यानी 6 गुना है, तो 125 × 6 यानी ये निकलेगा 150। क्लियर है दोस्तों, यस yes। तो सेलिंग जो निकल के आएगा दोस्तों 72, 102 एंड 150। आर यू ओके विद दिस, यहां तक क्लियर रहा क्या? उसके बाद इन्होंने नोट दिया आपको, वो कहता है जो इसका टोटल कॉस्ट होगा वो कॉस्ट इनटू प्रोडक्शन रहेगा। तो यानी जो कॉस्ट निकला है, कॉस्ट इनटू प्रोडक्शन विल बी टोटल कॉस्ट। फिर ये कहता है टोटल सेल जो होगा, सेल प्राइस इनटू सेल होगा, तो बस वही सेल प्राइस इनटू सेल। और प्रॉफिट जो होगा, टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट होगा। क्लियर है, तो बेसिक चीज दी गई है। ओके, लास्ट लाइन फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है सेल 2018 में इंक्रीज हुआ है कितने से, 41.3% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, यानी 2017 से। तो देखिए 41.3 क्या होता है, तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हो ना, तो ये होता है 125/3। परसेंट की वजह से 100 लगेगा, तो 25 से कट हुआ 5/4, तो यानी ये कितना परसेंट, फ्रैक्शन है 5/12। तो यानी सेल 2018 में कितना इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, 5/12 हो रहा है। तो 72 का 5/12 निकाल के लेते हैं, तो वो होता है 30, तो 30 से बढ़ जाएगा, यानी 72 + 30 यानी 102। क्लियर, और इन दोनों का रेशियो 17 और 25 का था, तो अगर ये 102 है यानी 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना होगा यानी 150 होगा।
आर यू ओके विद दिस कंडीशंस? करेक्ट, क्या पूछ रहे रश्मि? 17/12 होगा, करेक्ट है ना? 17/12 कर लीजिए ना, तो 17/12 भी तो 102 ही आएगा ना, करके देख लीजिए, ठीक है? वो एक ही बात है, 5/12 से इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज होके 7/12 हो जाएगा, एक ही बात है, तो दोनों कंडीशंस में 102 ही निकल के आने वाला है, ठीक है? यस, सेल प्राइस फिर से बता दे, प्रतीत कह रहे हैं। यस रश्मि जी, वही कह रहे हैं, वही होगा, वही होगा, ठीक है ना? एक ही बात है, आप 5/12 बढ़ाओ या 5/12 बढ़ा के 7/12 कर दो, बात एक ही है, ठीक है? चलिए सेल प्राइस वाला दोबारा बता देता हूं, किसी ने पूछा है, तो ये कह रहे हैं रेशियो ऑफ द सेल प्राइस, प्रतीत पूछ रहे थे, रेशियो ऑफ द सेल प्राइस पर आर्टिकल इन 18 and 19 इज 9:10। तो कहता है सेल प्राइस जो है 18 और 19 का जो है दोस्त, वो 9 और 10 के रेशियो में है। फिर ये कहता है 17 और 18 का जो सेल प्राइस है वो 7 और 9 के रेशियो में है, तो 7 और 9 के रेशियो में, तो 9 कॉमन था इसलिए तीनों का रेशियो 7, 9 और 10 निकल के आया, मैंने ये कहा। इसके बाद ये कहता है डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस ऑफ 17 एंड 19 इज 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 19। तो यानी 17 और 19 का जो सेल प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉस्ट प्राइस 19 के उसका हाफ है, यानी 50% है। तो 19 का कॉस्ट प्राइस क्या था आपका 30, तो 30 का 50% क्या होता है 15। तो यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है दोस्तों सेल का, वो सेल प्राइस का, वो कितना है दोस्तों 15 का डिफरेंस रहेगा। तो इनके रेशियो वाइज डिफरेंस कितना है 3, तो 15/3 क्या होता है 5, तो देयर कॉमन फैक्टर इज 5, तो इसको 5 गुना कर दिया, ये 5 गुना हुआ और ये 5 गुना हो गया, क्लियर है? ओके, वापिस से समझिएगा। अब क्वेश्चन के ऊपर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल इन 2019 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन सेल प्राइस पर आर्टिकल इन 18। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल इन 19 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन सेल प्राइस पर आर्टिकल इन 2018। तो देख लीजिए, तो 19 में कॉस्ट प्राइस कितना रखा है हमारा, तो 19 में कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों 30 है, और देन सेल प्राइस पर आर्टिकल इन 18 कितना है, तो 18 में कितना है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 18 के अंदर सेल प्राइस है 45, ठीक है? कहां गया? तो कहते हैं 19 का जो कॉस्ट प्राइस है कितना कम या ज्यादा है, तो देखिए सिंपल सी बात है, वो 30 था और वो 45 था, तो कितना कम या ज्यादा है, तो 15 कम है डिवाइडेड बाय 45, तो यह आएगा दोस्तों 1/3, ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 33.33, यानी नन ऑफ दीज, क्लियर हुआ? यस, तो इसका सही आंसर होगा 1/3। वंदना जी पूछ रहे हैं, अलेख्या जी पूछ रहे हैं, लास्ट आर्टिकल फिर से, लास्ट लाइन फिर से बताना है, ठीक है? आर यू ओके विद दिस कंसेप्ट दोस्तों? क्वेश्चन समझ में आया क्या, ये बताओ हाँ या ना? मैं वो फिर से लास्ट लाइन बता देता हूं, ये लास्ट लाइन समझ लो। ये कहता है सेल इन 2018 इज इंक्रीज्ड बाय 41 से ही 2/3% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जैसे अगर आप मान लो, आपको ऐसा बोला जाए कि यार कोई पर्टिकुलर वैल्यू है 20% बढ़ जाती है, तो आप क्या करते हो, 100 मान के 120 कर देते हो, है ना? यानी 5 और 6 का रेशियो बन जाता है। जब ये 41 से ही 2/3 बोल रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में बदल दूं, तो 41 से ही 2/3 होता क्या है, पहले ये कन्विंस हो जाइए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आता है 125/3, और परसेंट की वजह से 100, तो 25 से गया 5/4, तो ये फ्रैक्शन वाइज आता है 5/12 बढ़ा दिया। तो अगर आपका 100 था, 100 को 1 मानते हैं और 5/12, तो यानी नया वैल्यू विल बिकम 17/12, ये मैं कह रहा हूं, तो 17 के मुकाबले 17/12 हो जाएगा। तो 72 को 12 से डिवाइड करेंगे, 6 बार 17 × 6 यानी 102, तो आंसर इज 102, क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों, सिर्फ ये सॉल्व करके नहीं है, क्वेश्चन में अच्छा खासा कैलकुलेशन इन्वॉल्व किया गया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्लीज फॉलो कीजिएगा। फिर ये कहता है प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन 2017 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन प्रॉफिट इन ईयर 2019। तो आपको 17 का प्रॉफिट बताना है कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, किससे, 19 से। तो पहले 17 और 19 का आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉफिट क्या था, टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट, तो आपको वो लेना पड़ेगा वैल्यूज, क्लियर है?
क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से समझिए, ये चीजें एकदम क्लियर कर लीजिए ताकि तकलीफ ना जाए बार बार, ठीक है दोस्तों? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 2017 का जो प्रॉफिट है वो कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, किससे? 19 के प्रॉफिट से, 19 का, तो 17 और 19 का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है दोस्तों? चलिए समझिएगा, तो 17 का प्रॉफिट क्या है, पहले अगर हम बात करें तो पहले कॉस्ट निकालें, तो 120 × 18 करना पड़ेगा, तो इसका कॉस्ट निकल के आएगा दोस्तों, तो 120 × 18 होता है दोस्तों 2160, तो ये तो हो गया कॉस्ट। उसके बाद सेल की बात करते हैं, तो 35 × 72 करना पड़ेगा, तो 35 × 72 क्या होगा, तो इसको डबल कर दिया 70 और ये 36, तो ये आएगा दोस्तों 2520, तो ये बन के आएगा दोस्तों 2520, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो इसका प्रॉफिट आएगा 360, तो 2017 का प्रॉफिट निकल के आएगा दोस्तों 360 का। आर यू ओके विद दिस? 2017 का प्रॉफिट इज 360, आर यू ओके विद दिस कंसेप्ट? बस जितना जल्दी बनाओगे उतना फास्ट आंसर निकलना है। आगे जुड़ते हैं, फिर बात करते हैं 19 के बारे में, तो 19 का कॉस्ट कितना है, तो 198 × 3 करना पड़ेगा, तो 198 × 3 क्या होता है, पहले मैं ये डिलीट कर देता हूं, ठीक है ना? चलिए तो देखिए 198 × 30 करना पड़ेगा, ये कॉस्ट आ गया माइनस सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस क्या आएगा, तो 50 × 1500 यानी 7500, ठीक है दोस्तों? इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 × 0 = 4, फिर 2 कैरी, 19 × 57 और 2 = 59 माइनस 7500, अगर ये किया जाए तो वैल्यू क्या निकलेगा, तो दोस्तों 60 आएगा, ये 14 में से 59 गया यानी 5 और 5 = 15, तो ये आएगा 1560। तो ये कहता है 17 का कॉस्ट कितना कम है, तो कम आ रहा है, ज्यादा तो नहीं आ रहा, टेक द डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस रहेगा दोस्तों 1200 अपॉन 1560 × 100, 0 से 0 12 से जाएगा 10 बार, ये जाएगा 13 बार, तो ये आ रहा है दोस्तों 1000/13, ठीक है 1000/13, तो 1000/13 कितना होगा, तो 91 जाएगा 7 बार, 91 बचेगा 9, 90 फिर जाएगा तकरीबन 7 बार, तो 77% के करीब आएगा दोस्तों। सो द आंसर इज बी ऑप्शन, 77%, क्लियर रहा दोस्तों? ओके सभी को क्लियर जा रहा है दोस्तों? हाँ, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर इन्वॉल्व था, अच्छे क्वेश्चन से बढ़िया आराम से बनाइए बस, ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे जुड़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस तरह के क्वेश्चन में ये डेटा बहुत कॉमन है, वो 2017, 18, 19 का डेटा देके दे वर आस्किंग अबाउट द क्वेश्चन ऑन 2020 यानी 2020 पे या 16 पे, तो ये बहुत बार होता है और जनरली ये डेटा परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड करता है, ठीक है दोस्तों? यस मैम, देखो कॉस्ट जो होती है ना, अब जो बिके नहीं ठीक है, कॉस्ट तो लग गई ना, मान लीजिए मेरे को ऐसे पेन बेचने हैं, मैंने 10 पेन खरीदे बट 8 ही बिके, तो 2 अनसोल्ड मेरे कॉस्ट में तो गया ना, वो बिका चाहे नहीं बिका बट वो मेरी कॉस्टिंग में चला गया ना, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे प्रोडक्शन इंटू, इसे मैंने लिखा भी है, देखो यहां लिखवाया मैंने, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू प्रोडक्शन, तो आपको कॉस्ट पर प्राइस कितना आ रहा है वो और प्रोडक्शन क्या है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है? ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये कहता है इफ कंपनीज प्रोडक्शन रिमेन सेम इन 2020 यानी कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 2020 में भी सेम रह जाए, ठीक है, एज कंपेयर टू 19 है, लिखा नहीं होगा बट समझ लीजिएगा 19 के मुकाबले कह रहा है, ठीक है, एंड सेल बिकम 120% ऑफ द सेल इन प्रीवियस ईयर, तो यहां पे लिखा है इसने आगे एक ही स्टेटमेंट मेंशन किया है, वो कहता है इफ कंपनीज प्रोडक्शन रिमेन सेम इन 2020 एंड सेल बिकम 120% ऑफ द सेल इन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर यानी 19 के मुकाबले वो कहता है प्रोडक्शन तो सेम रह जाए, तो देखिए अगर आपको याद हो तो 19 का प्रोडक्शन 198 था, तो यानी 2020 में भी प्रोडक्शन 198 ही होगा और इसका जो सेल है वो 120% हो जाता है, ठीक है, तो 19 में सेल कितना था दोस्तों, सेल था 150 का, तो वो 120% हो जाता है, यानी कितना हो जाता है सेल 180 हो जाता है, 150 का 20% होता है 30, तो यानी नया सेल हो जाएगा 180 का। फिर ये कहता है सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल इज इंक्रीज बाय रुपी 10,
ठीक है ना। तो यानी आपका जो सेल प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है दोनों ही 10-10 रुपए बढ़ा दिए जाएं, तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन 2020, तो दोनों को ही 10-10 रुपए बढ़ा दिया जाए, ठीक है। वापस से देखिएगा, तो इसका कॉस्ट कितना था, 30 था, इसका कॉस्ट सेल कितना था, 50 था, दोनों 10-10 बढ़ जाएंगे, तो यानी इसका जो कॉस्ट आएगा दोस्तों वो 40 हो जाएगा और इसका सेल जो होगा वो 60 हो जाएगा। तो इसका प्रॉफिट निकालना है, तो मल्टीप्लाई विद दिस 0 to 78, तो 7920, ठीक हो गया, 0 0, तो 2 0 तो वही आ जाएंगे और ये आएगा 10,800, ठीक हो गया। प्रॉफिट निकालना है तो दिस माइनस दिस, तो इसमें से ये घटा दिया जाए, तो ये 80 और 17 में से 9 गया 8 और 9 में से ये गया 2, तो 2880 ए ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, 2880 विल बी द राइट आंसर, क्लियर है। आई थिंक क्लियर रहा होगा दोस्तों, समझ में आ रहा है पूरा, जल्दी से बताइए हाँ या ना, क्लियर रहा ये। चलिए बहुत अच्छे, तो सभी लोगों को समझ में आ गया, तो इस तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़े वैल्यू अच्छे रखे थे, लेकिन एग्जाम के अंदर चैलेंजिंग वैल्यू भी दिए जा सकते हैं, जो कैलकुलेट करने में ही ये परसेंटेज वगैरह थोड़े से और चैलेंजिंग दे दिए जाते तो ये सेम क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव बन सकता था, ठीक है। बट मेरा पर्पज था कि आपको कंसेप्ट समझ में आए, करना क्या होता है। मैंने एक ही जगह परसेंटेज अच्छा यूज किया था, काफी बच्चे यहां फंस गए, केवल एक जगह पे मैंने परसेंटेज थोड़ा सा अच्छा रखा था। अगर सब जगहों पे परसेंटेज इस तरह से होता या रेशियो थोड़ा अच्छा होता तो फंसाता है एग्जाम्स में, ठीक है। इसलिए कंसेप्चुअली जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगर मजा आ रहा है दोस्तों शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में जल्दी से, ठीक है ना। सेशन को लाइक भी करो यार, सब लोग लाइक करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला ग्राफ टेबल ग्राफ है दोस्तों, ये ग्राफ आपके सामने है स्क्रीन पे। इसमें कहा गया है आपको 6 इंडस्ट्रीज दी हैं, टॉप 6 इंडस्ट्रीज हैं, उनकी एक्सपोर्ट दिया गया है इन ईयर 18 में, तो उसमें 18 का एक्सपोर्ट दिया है प्लस साथ में ग्रोथ दी गई है, और जो ग्रोथ दी जा रही है कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर है, ठीक है दोस्तों। और ये इसने आपको लास्ट में ये भी दिया है, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज बाय 20% टू 13,500 करोड़ इन 2018। तो ये जो एक्सपोर्ट और टोटल एक्सपोर्ट सब दिया गया है, ये दिया गया है 2018 का, और ग्रोथ जो दी गई है प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़िएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखिए बहुत सही क्वेश्चन है। हालांकि पहला क्वेश्चन इसका सिंपल है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको इसकी कैलकुलेशन का अंदाजा लगेगा। यस यस, जिन्होंने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने कर दिया तो वो तो पता है मुझे, जो अपने रेगुलर कैंडिडेट्स हैं वो कर देते हैं, जो लोग नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज शेयर करिए और लाइक जरूर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, प्लीज थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशंस अच्छे खासे हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं ना ये आपको एग्जाम में बड़ी काम आएंगी, तो इसके लिए आपका ओवरऑल कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए, ठीक है समझिएगा। ये पहला क्वेश्चन तो हालांकि बड़ा सिंपल है। यस, ये कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शेयर ऑफ द ग्लास इंडस्ट्री इन द टोटल एक्सपोर्ट फॉर द ईयर 2018। तो वो कहता है ग्लास इंडस्ट्री का जो शेयर है दोस्तों एक्सपोर्ट का वो कितना रहेगा, कौन से साल में, 2018 में। तो डेटा भी 18 का दिया हुआ है, एक्सपोर्ट भी 18 का दिया हुआ है, तो बड़ा आसान हो जाता है। तो आप इसको रखिए 564 डिवाइडेड बाय 135, 100 है यस, तो इनटू 100। ये तो सिंपल सा पैटर्न, 20 से 20 कट होगा, अब जिससे कट हो रहा है कट करिए, तो ये तकरीबन इसका 4 गुना होता है, ठीक है ना, तकरीबन 4% है, 4.1 के करीब आता है, तो अप्रॉक्सीमेट इट इज 4%, क्योंकि 135 का डबल 270, उसका डबल 540, तो 4.1 या 2% के करीब होता है, तो नज़दीकी आंसर जो है दोस्तों वो है 4%। सो माई आंसर इज 4%। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है बढ़िया। आगे जुड़िएगा, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका एक ही यही क्वेश्चन है जो सिंपल सा था, इसमें बाकी के 3 या 4 क्वेश्चन अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। कैसे, देखिए अगला क्वेश्चन समझना, ये क्या है ये समझ के ले लो, मैं इसका कैलकुलेशन पूरा आपको करके बताता हूं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम शेयर अमंग द गिवन इंडस्ट्रीज इन ईयर 2017।
ये क्वेश्चन कब का पूछा है दोस्तों, ये ध्यान में दे देना, 2017 का। तो ये कहता है इन इंडस्ट्रीज में से सबसे ज्यादा जो शेयर रहा होगा वो किस इंडस्ट्री का रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, फिर भी आप हिट एंड ट्रायल करके निकाल सकते हो क्योंकि इसमें वैल्यू की जरूरत नहीं है। वो सीधा सा बोल रहा है किसका शेयर सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम शेयर, तो यानी जिसका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होगा वो वैल्यू देगा। अब इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए ये दो तीन ऑप्शन तो बिल्कुल कंसिडर नहीं होंगे, 1, 2, 3, ये तीनों तकरीबन आसपास के हैं, ठीक है ना। तो आप यहां से जज कर सकते हो कि कौन होगा जिसका जो एक्सपोर्ट है वो हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। यस, अब देखिए 834 है और ये ग्रोथ हुआ है, यानी इसका जो भी 2017 में रहा होगा वैल्यू कम रहा होगा, 834 से डेफिनेटली कम रहा होगा, ठीक है ना। देखते हैं ये 937 है और इसमें डिग्रोथ मिला है उसको, यानी परसेंटेज वाइज कम हुआ है, यानी 17 में इसका जो भी वैल्यू रहेगा 937 से प्लस रहा होगा, 937 प्लस रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कितना रहा होगा, मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो अभी आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा। और ये जो भी रहेगा 834 से कम रहेगा, कम, ये 937 प्लस रहेगा, प्लस ये 879, तो यहां भी ग्रोथ हुआ है, प्लस हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी 879 से कम ही होगी, ठीक हो गया। तो यानी हाईएस्ट कौन निकल के आएगा, रूबी इंडस्ट्री। सो आंसर इज रूबी इंडस्ट्री, बी ऑप्शन। समझ में आया दोस्तों, बी ऑप्शन रूबी इंडस्ट्री वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिएगा। ये कहता है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ द गिवन 6 इंडस्ट्रीज। आपको बताना है इन 6 इंडस्ट्रीज का ग्रोथ परसेंटेज मिला के कितना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 2017 का सारों का एक्सपोर्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद उनके एक्सपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा, प्लस इनके एक्सपोर्ट को ऐड करना पड़ेगा, और उनके बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा कि ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना आया है। तो ये क्वेश्चन बड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, थोड़ा नहीं ज्यादा कैलकुलेटिव है। अब एग्जाम मोमेंट में आपके ऊपर होता है इस तरह का कैलकुलेशन करना है या नहीं, ठीक है ना। देखिएगा करना कैसे था, तो यहां पे आपको 2017 का इसका एक्सपोर्ट निकालना है। तो अगर हम बात करते हैं इस एक्सपोर्ट की, ये 564 है और इसका ग्रोथ कितना था, 12.8 था, यानी ये जो बन जाएगा 112.8 बन जाएगा, तो 100 कितना होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। तो किसी कॉमन वैल्यू से कट रहे हैं तो ट्राई करेंगे, जिसे 4 से जा रहा है, 4 से ये आएगा 141, 4 से ये भी चला जाएगा, 12 से जा रहा है सीधा, है ना, 12 से डिवाइड कर देते हैं, 48 चला जाएगा 4 बार और 7 बार, 12 से ये चला जाएगा, 112 है तो 108, 9 बार पॉइंट 4 बचेगा तो 9.4, 47 से ये जाएगा 0.2, तो 0.2 इंटू अगर 100 आप करते हो तो ये वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों 500, यानी ग्लास इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है दोस्तों 2017 का वो आएगा 500, करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली स्किप करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन ना हो कि यार कुछ बन ही नहीं रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऐसी देंगे जो आपस में एडजस्ट होती है, तो उस कॉन्फिडेंस से जाके इसको बनाना होता है। जैसे यहां पे जो परसेंटेज ग्रोथ मिली है वो मिली है 7% की, तो यानी इसका जो ग्रोथ रहेगा दैट इज इक्वल टू 107, तो 100 कितना होगा, तो इसको इससे डिवाइड किया जाएगा, तो 834.6 अगर मैं करने जाता हूं, ध्यान से समझना, 60 डिवाइडेड बाय अगर मैं करता हूं 107 से, तो 107 से तो ये क्लियर है कि ये 7 बार जा रहा है, 7 टाइम जाएगा, क्योंकि इसका 7 गुना होगा 749 और 34 के अंदर अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 51 और 84 यानी 85 का है, तो 856, तो ये 8 बार चला जाएगा, तो यानी इसकी वैल्यू मिलेगी दोस्तों आपको 780। रूबी इंडस्ट्री के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये 937 है और ये अगर डिग्रोथ हुआ है -8.7 से, तो यानी ये आएगा 93.7, तो इससे निकालना काफी आसान हो गया रूबी का, तो 1000 आ जाएगा एक्सपोर्ट। उसके बाद निकल इंडस्ट्री की बात करें तो ये 879 है और इधर ग्रोथ हुआ है 17.2 का, तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन में लेके जाता हूं तो 879 इज इक्वल टू 117.2, तो 100 कितना रहेगा, ठीक रहा दोस्तों। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन वैल्यू क्या हो सकती है, 3 से जाते हुए लग रहा है, 3 से ये जाएगा 293 और 3 से ये जाएगा 39, अच्छा ये 3 से नहीं जाएगा, अप्रोक्सीमेट अगर हम लेके जाएं
तो 1172 है, 1172 आई थिंक इससे कट सकता है 1172 है ना, तो ये अगर हम इससे डिवाइड डायरेक्ट कर दें तो ये जाएगा 7 times, 7 ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा, ठीक है एक बार इसको रखते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो थोड़ा सा कम कर देंगे उससे, है ना 117.2 है, तो 117.2 डिवाइड करेंगे, वैल्यू को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, ठीक है ना, यस 750 आ जाएगा, 7 और फिर 5 0 करेक्ट है, 750 आ जाएगा, सही बोल रहे हैं, तो ये तकरीबन आ जाएगा 750, ओके। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें तो देखो ये कैलकुलेशन है इनमें, नो डाउट अबाउट इट, आपको देखना पड़ेगा, तो -12.3 अगर आप लेते हो तो ये आता है 87.7, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको भी आपको इसी अप्रोच से लेके जाना है, तो आई थिंक ये निकल के आता है आपका डिग्रोथ हुआ है, तो ये 360 के करीब कुछ आता है, 36 है ना, 87.7 है ना, यस, तो ये 360 आपको देता है। और डायमंड की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू 96, तो 100 कितना होगा, तो बस वही याद होगी 24 और ये 25, 24 से ये डिवाइड होगा, एक बार बजेगा 19 जाएगा 8 बार, 18 × 25 करना पड़ेगा, 18 × 25 हो जाएगा 25 × 18 यानी 450, 450 हो गया दोस्तों। तो ये इसका एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं, लेकिन वैल्यूज अच्छी हैं तो बन भी जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही समय लेते हैं, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में ये चीज़ देखनी पड़ती है, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन कम है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं या आपसे बन नहीं पा रहे हैं, तो मैं उस कंडीशन में सजेस्ट करूंगा कि ठीक है सब कुछ देखने के बाद लास्ट में इनको बनाया जाए, ये डूएबल है, ऐसा नहीं है कि बन ही नहीं रहे, समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है, बट टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट अबाउट इट, ओके दोस्तों क्लियर। अब आपको करना यह है कि आपको इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है और फिर इसका परसेंटेज कंपेयर करना है, ठीक है, तो इट्स अ क्वाइट कैलकुलेटिव थिंग, क्वाइट कैलकुलेटिव थिंग, ओके क्लियर है दोस्तों। यस ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का तरीका ध्यान में रखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बने हैं, पूछे गए हैं, और वो जानबूझ के कई बार ऐसा ग्राफ देते हैं पूरा सारे क्वेश्चन, अभी इसमें तो फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन 2018 पे दिए हैं आपको, कई बार ऐसा कर देते हैं कि सारे ही क्वेश्चन 2017 के ऊपर या 19 के ऊपर दे देंगे, तो वहां पर आपको कैलकुलेशन का ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना, बहुत बार ऐसा होता है वो कंसेक्यूटिव ग्रोथ दे देते हैं, तो ये लेके जाने पड़ते हैं, इस तरह के ग्राफ थोड़े से अवॉइड करने चाहिए एग्जामिनेशंस में, सीधे ही जाते ही इनको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक बार इन्होंने बहुत टाइम ले लिया तो आपका पूरा पेपर बिगाड़ने की कैपेसिटी रखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। यस चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है व्हाट इज द अप्रोक्स एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द निकल इंडस्ट्री इन ईयर 2017, तो कहता है 2017 में निकल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट बताइए, तो हम तो सारा निकाल चुके हैं, यही पूछा है, देखो यही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो ये 750 आया था ना, तो उसने वही पूछा है आपसे 750 crores, क्लियर है दोस्तों, ओके समझ में आया क्या, एवरीथिंग इज फाइन विद ऑल ऑफ यू, कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, तो ये ध्यान में रखिए कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को ग्रोथ वगैरह में जो ये परसेंटेज चेंजेस होते हैं ना, इनको अडॉप्ट करने में दिक्कत जाती है, प्रीवियस टू नेक्स्ट ईयर जाना या नेक्स्ट ईयर से प्रीवियस ईयर आना, कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन बना करते हैं, ठीक है। चलो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि ये केसलेट फॉर्मेट में आजकल देने लगे हैं, ठीक है, ट्राई करेंगे इसको, फाइन इज नथिंग इज फाइन, सुजीत कह रहे हैं, पूनम जी कह रही है अभी तक सब फाइन है, धीरेंद्र जी स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं, स्ट्रेटजी बताता हूं मैं, एक स्पेशल सेशन रखेंगे हम पूरा स्ट्रेटजी के ऊपर, लाइव सेशन रखेंगे जिसमें हम पूरी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, चलिए बनाना शुरू करेंगे इसको, यस क्लोज टेस्ट है, मैथ्स का क्लोज टेस्ट,
स्टार्ट करें या मैं एक्सप्लेन करूं, खुद से बनाएंगे या मैं एक्सप्लेन करूं? इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग मिसलेनियस कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बना के देते हैं और कुछ कुछ फिलर्स छोड़ देते हैं। फिलर्स को आपको भरना होता है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो फिलर्स आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 7:43 ऑलरेडी हो चुका है हमारा। ठीक है, चलिए मैं आराम से बताता हूं, समझिएगा, साथ साथ चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। हाँ हाँ, हम भी करते हैं, आप भी करो, जो जिससे बन रहा है करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्क्रीन पर छोड़ रखा है, आराम से मिलकर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ये कहता है अक्षय बॉट अ बाइक फॉर रुपी एक्स ए, तो ए का वैल्यू हमें चाहिए होगा। फिर बोलता है ही मार्क इट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 20% और 15%। तो 20% और 15% की कंसेक्यूटिव डिस्काउंट वो ऑफर करता है। तो 20% और 15% से आपको इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिलेगा, 20 - 15 + 3, यानी ओवरऑल डिस्काउंट विल बी 32%। करेक्ट, अब इसका कॉस्ट मार्कअप कितना किया जाए, 60% का किया गया है। आगे कहता है इफ ही गिव अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% ही विल अर्न 1200 लेस। अब इसका मतलब समझिए, अगर अभी वो कंसेक्यूटिव दे रहा था तो 32% का, अगर वो 35% का सीधा डिस्काउंट देता है तो उसको जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो 1200 रुपए का होता है। तो कम क्लियर सी चीज है कि 3% इज इक्वल टू 1200, तो 100% कितना होगा, 400, यानी 40,000, 40,000। तो ये आ गया हमारा मार्क प्राइस, बट हमें मार्क प्राइस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट। तो मार्क प्राइस जो है इसका रेशियो अगर आप देखोगे ये है 5:8 का, तो अगर ये 40,000 है तो यानी ये आ जाएगा 25,000। तो दोस्तों ए का वैल्यू क्या निकल के आया, 25K। आर यू ओके विद दिस, जल्दी से बताइए हाँ या ना, बस आपको आराम से पढ़ते चले जाना है, बाकी कुछ नहीं, जैसा वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, जैसे आप क्लोज टेस्ट में कैसे करते हो, इंग्लिश में पढ़ते चले जाते हो, तो यहां पे होगा क्या, क्लियर, यहां पे होगा क्या, आपको बस सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर आपको मिसलेनियस कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो फिर फंसेंगे। आगे जुड़ते हैं, फिर ये कहता है अंकिता बॉट अ लैपटॉप फॉर ₹20,000, शी मार्क्ड अप बाय 50%। ठीक है ना, तो अंकिता ने क्या किया, एक लैपटॉप खरीदा है और उसको 20,000 रुपए में खरीदा और उसने उसको मार्कअप कितना कर दिया, 50% और उस पर डिस्काउंट दे दिया 25% का। तो अब समझना, इसने खरीदा कितने में था अंकिता ने, 20,000 में सीपी, तो अंकिता के लिए सीपी हो गया 20,000 और इसका जो मार्क प्राइस होगा दोस्तों वो रहेगा 30,000। ठीक है, अब इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना, 25% का, तो 25,000 का 25% होता है 7,500, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 22,500। ठीक है, आगे फिर ये कहता है दे बोथ स्टार्टेड अ बिजनेस विद द प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग बाइक एंड लैपटॉप। तो इनको बाइक और उससे बेचने से जो प्रॉफिट हुआ है उससे वो बिजनेस शुरू करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए इसने कितना डिस्काउंट दिया था, तो इसने डिस्काउंट दिया था 32% का। तो देखिए दोस्तों 40,000 का 32% अगर आप लेते हैं तो ये निकल के आया था आपका 20201280 12,800 का डिस्काउंट। करेक्ट है, आपने इसमें मार्कअप कितना किया था 15 का और 12,800 तो आपने डिस्काउंट ही दे दिया, यानी इस पर इसने अर्न कितना किया दोस्तों 2,200 रुपए का। तो इसका जो प्रॉफिट रहेगा दोस्तों वो होगा 2200 का ऊपर वाले का, पहले का अक्षय का। अंकिता का प्रॉफिट कितना है 2500, तो यानी इन दोनों का जो प्रॉफिट है एक का 2200 है और एक का 2500 है, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 22 और 25 रहेगा। आगे का कहता है ध्यान से समझिएगा, फिर ये कहता है दे बोथ स्टार्टेड अ बिजनेस विद द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग बाइक एंड लैपटॉप आफ्टर 12 months, 12 महीने के बाद दे मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपी एक्स। तो 12 महीने बाद इन्होंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। अब वो कहते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट वॉज इन द रेशियो ऑफ 8:5। ठीक है, अब देखो इसको 2200 और 2500 ले लेते हैं हम लोग, और ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसका 8x और इसमें 5x करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे जुड़ते हैं, फिर ये कहता है एंड रिसीव्ड इक्वल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 years। तो इनको जो प्रॉफिट रिसीव होता है 2 साल बाद, तो देखिए इसका शुरू के 12 महीने 8x रहा होगा, इसका सॉरी 2200 रहा होगा और इसका 2500 रहा होगा शुरू के 12 महीने।
और इसका बाद वाले एक साल मतलब टोटल प्रॉफिट बिजनेस जो है दो साल का था तो इनको ऐड कर दिया जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 4400 प्लस 8x इक्वल्स टू 5000 प्लस 5x, तो ये इधर भेजिए ये इधर, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा दोस्तों 3x इज इक्वल टू 600 यानी x इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, तो x का आपको वैल्यू मिलता है 200 रुपए। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं एडिशनल अमाउंट है, तो आपको एडिशनल अमाउंट यानी बी की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए इनका एडिशनल अमाउंट क्या हो गया दोस्तों 8x और 5x यानी 13x और कॉमन फैक्टर 200 था तो 13 × 200 यानी बी का वैल्यू निकला दोस्तों 2600। आर यू क्लियर विद दिस, यहां तक क्लियर है? बढ़िया, बनाते रहिए साथ साथ, जिस जिसका आगे बन रहा है बनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का वैल्यू 200 आएगा, संगीता जी एक्स का वैल्यू 200 वेलकम, ठीक है, आर यू ओके विद दिस एवरीबडी। तो हमने ए और बी दो का वैल्यू निकाल लिया, अब आगे चलते हैं। फिर ये कहते हैं आफ्टर दैट दे वेंट टू मुंबई फॉर अ ट्रिप बाय मोटर बोट, द स्पीड ऑफ द बोट इज 5 times द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो यानी बोट और स्ट्रीम का जो स्पीड का रेशियो है वो 5:1 है। फिर ये कहता है दे स्टार्टेड एट 1 PM एंड रीच मुंबई एट 6 PM यानी इसको पूरी जर्नी में कितना समय लग गया दोस्तों 5 घंटे लगे, 5 घंटे का, ठीक है। फिर ये कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इन डाउनस्ट्रीम इज, तो डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं ये भी हिंट दिया है इसने, और उनका जो डिस्टेंस वो निकालना है आपको सी, वही हमारा सी का वैल्यू है, तो देखिएगा दोस्तों कैसे होगा। फिर इसने स्पीड का स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम दिया है 4 km/h। अब आप एक चीज समझिएगा, इसने आपको दोनों की स्पीड यानी यू और वी का रेशियो देके रखा है 5:1 का, तो यानी यू माइनस वी क्या होगा 4 और यू प्लस वी क्या होगा 6, तो ये यही कह रहा है कि अपस्ट्रीम का जो स्पीड है दोस्तों वो 4 है, अपस्ट्रीम नहीं होना चाहिए था, स्ट्रीम होना चाहिए था, ठीक है, अपस्ट्रीम का स्पीड 4 है यानी डाउनस्ट्रीम विल बी 6 × 5 यानी ये 300 बन के 30 बन के आएगा 30 km इस हिसाब से, ठीक है ना। ओके, तो दिस विल कम एज 30 km। ए वाले पार्ट का डिस्काउंट वाला समझ में नहीं आया, शालू जी कह रहे हैं, ठीक है देखिएगा मैम समझना मैं क्या बोलता हूं, ए वाला पार्ट का डिस्काउंट नहीं क्लियर रहा था। देखिए इसने क्या बोला था, इसने डिस्काउंट दिया कितना था 32% का, तो 40,000 का 32% क्या था 12,800। इसने मार्कअप कितना किया था 25 से 40 यानी 15,000 का, तो 15,000 मार्कअप था, 12,800 डिस्काउंट हो गया था, तो बचा हुआ प्रॉफिट हो गया 2,200 रुपए, तो वो निकाल लेते, सीधा निकल जाता है उससे, ठीक हो गया दोस्तों। आगे जुड़ते हैं, फिर ये कहता है दे प्लेड अ गेम देयर एंड वॉन ₹50,000, तो वहां मुंबई जाके उन्होंने कोई गेम खेला और उसमें उन्होंने 50,000 रुपए वो जीता। फिर ये कहता है दे इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट 15% SI फॉर 3 years एंड रेस्ट अमाउंट एट 20% CI फॉर 2 years, तो ये वही चीज होगी। तो वो कहता है कुछ अमाउंट उसने 15% CI पे SI पे लगाया 3 साल के लिए यानी 45% इंटरेस्ट मिलेगा और यहां से 44% इंटरेस्ट मिलेगा 20% फॉर 2 ईयर। फिर ये कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड इन SI इज मोर देन CI देन डिफरेंस बिटवीन देम इज ₹4,700, ठीक है ना। तो अब वही चीज है, नहीं आ रहा है समझ, वापिस से सुन लेना। अब ये क्या कर रहा है कि इसको जो पैसा रिसीव हुआ था 50,000 रुपए का, वो इसने दो पार्ट में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसमें से एक पार्ट जो है उसने SI पे 15% पे 3 साल के लिए लगाया, ठीक है ना। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम एक काम करते हैं, ये हटा दू पुराना कैलकुलेशन जितना किया है, जल्दी से बताइए इसको डिलीट कर दें। ओके, 15% SI फॉर 3 ईयर्स, अब लिखने को जगह नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसको हटा दूं क्या मैं, जल्दी बताओ। नहीं नहीं मयंक ऐसा नहीं करना है, इक्वल अमाउंट नहीं लग रहा है, आप गलत कर गए, सम अमाउंट बोल रहा है, इक्वल अमाउंट नहीं है, 45 − 44 1, नहीं 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 इतना आसान नहीं था, वो इतना आसान नहीं था, इतना आसान होता मैं वर्बल बता देता। दे इन्वेस्टेड सम अमाउंट, कुछ अमाउंट लगाता है 50,000 में से, इक्वल नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है मैं ये हटा दे रहा हूं। चलिए तो आगे समझिएगा दोस्तों, अब ये क्या कह रहा है 50,000 रुपए इसने जीते हैं, वो दो पार्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो SI पे x अमाउंट लगा दिया, तो ये वैल्यू बनेगी 45% ऑफ x माइनस 44% ऑफ 50,000 माइनस x,
और ये मिलके कितना है 4700 है, यानी 4700 है। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। 45% ऑफ एक्स माइनस 44% ऑफ ब्रैकेट इन 50,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4700, ये बात हुई है, क्लियर है। क्योंकि इसने क्या बोला, इन्होंने 50,000 जीता, उसमें से कुछ पार्ट सिंपल पे लगाया, कुछ कंपाउंड पे लगाया। सिंपल पे 15% पे 3 साल है, और इसने हिंट भी दिया है सिंपल का इंटरेस्ट ज्यादा है कंपाउंड से। तो सिंपल का अगर मैं वैल्यू एक्स मान लूं तो 45% ऑफ एक्स हो जाएगा, कंपाउंड 20% पे 2 साल का 44% इफेक्टिव इंटरेस्ट होता है, तो 44% ऑफ 50,000 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 4700। अब देखिए ये दोनों एड हो जाएंगे, 45% ऑफ एक्स और 44%, ये प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों मिल जाएंगे 89% ऑफ एक्स बनाएगा। ये जो वैल्यू है उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये 22,000 होता है, तो 22,000 और इनको ऐड करेंगे तो ये बन के आएगा 26,700, ठीक है दोस्तों। तो 89 से ये डिवाइड हो जाएगा 3 बार, तो आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा दोस्तों 300, परसेंटेज की वजह से 20, तो यानी एसआई में कितना पैसा लगाया 30, तो यानी सीआई पे कितना लगेगा 20,000, तो डी का वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों 20K, 20,000, क्योंकि इसने पूछा है अमाउंट इन्वेस्टेड एट सीआई इज व्हाट, क्लियर हुआ। आगे द मनी दे रिसीव्ड एज अ इंटरेस्ट विद दैट दे परचेस्ड अ मैंगो शेक, तो इनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों वो उन्होंने उससे क्या करना है, मैंगो शेक खरीदा है, ठीक है। कंटेनर ऑफ द कैपेसिटी ई, तो कंटेनर ऑफ द कैपेसिटी ई, तो ई कंटेनर की आपको कैपेसिटी निकालनी है। तो देखिए इनका इंटरेस्ट कितना आया है, तो आपको पहले इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। द मनी दे रिसीव्ड एज ए इंटरेस्ट, अब देखिए 30,000 इसमें था, 30,000 का 45% अगर आप लेंगे तो यह आता है 13,500, और 44% ऑफ 20,000 अगर आप लेंगे तो ये आता है 8,800, तो 00। वैसे जरूरत नहीं है इसकी, यहां इसकी जरूरत ही नहीं थी कुछ, ये फालतू का कैलकुलेशन है, जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, फिर ये कहता है कंटेनर के अंदर जो मिक्सचर है मिल्क और पल्प है उसका रेशियो 8:5 है, तो यानी आपके पास मिल्क और पल्प है जिसमें रेशियो मिल्क और पल्प का कितना है दोस्तों 8:5 का है। फिर ये कहते हैं 96 ml का मिक्सचर उन्होंने पी लिया and added 26 ml of milk, ठीक है ना। तो यानी इसमें से 96 ml निकाल दिया उन्होंने और उसकी जगह क्या ऐड कर दिया 26 ml of milk, तो milk ऐड कर दिया, तो इनको 8x और 5x मान लीजिए। अब वो कहता है ऐसा करने से नया रेशियो आता है 17:9 का, तो द न्यू रेशियो बिकम लाइक 17:9, क्रॉस कर दीजिएगा, ये बनेगा 85x इक्वल्स टू 26 × 9 = 17, 234 प्लस 72x, ये इधर भेज दीजिए 85 और 72, 13 जाएगा 13x इज इक्वल टू 234, तो आपको इससे x का वैल्यू मिलता है दोस्तों 18, ठीक हो गया। तो x का वैल्यू 18 आ गया, यानी ये आपका बचा हुआ क्वांटिटी 13 × 18 हो जाएगा, यानी 234, ये क्लियर रहा, ये बची हुई क्वांटिटी थी। इन्होंने p कितना लिया था 96 ml, तो वो ऐड कर दीजिए, तो जो पिया हुआ क्वांटिटी था इन्होंने जो निकाल लिया था वो ऐड कर दिए 00, 23 और 9, 32 और 1, 33, ठीक रहा। क्लियर है, तो बस ई का वैल्यू आ गया। क्लियर है दोस्तों, 330 ml, तो इस तरह से आपने सारी चीजें निकाल दी, पांचों चीजें। तो बस ये कनेक्शन में करते चले जाना, इसके ऊपर जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं दोस्तों वो इसी के ऊपर फॉर्म होते हैं। ए की वैल्यू बताओ, जिसे वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, तो अभी हमने देखा था 25,000 था 25,000, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वैल्यू ऑफ ए बताओ, वैल्यू ऑफ बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, ई क्या होगा, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको बनाते ले जाना है बस सिक्वेंस में, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न जैसे चल रहे हैं ना, और एकदम मतलब आपको एकदम बढ़िया से कवर करवा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों में फंसे ना, ठीक है। मैं मानता हूँ अभी ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा आई डोंट नो, ठीक है, अगेन 100% नहीं बोल सकता, लेकिन इसके थ्रू जो हम कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं वो देखिए, देखिए कंसेप्ट वही है जो आप SICI करो, SICI का इंडिविजुअल क्वेश्चन अकेला ऐसा ही तो आता है कि भाई दो एक कुछ इन्वेस्टमेंट है उसको दो पार्ट में बांट दिया, तो वो करने का जो कॉन्फिडेंस है ना वो तभी मिलेगा जब आपके मिसलेनियस कंसेप्ट या कोई भी कंसेप्ट का बेस बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं,
ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप मेंस में एक्सपेक्ट करिए कि लेवल अच्छा रहता है और डुएबल होते हैं। काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो समझ में आएंगे, हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो समझ ही नहीं आएंगे तो वो करा के भी फायदा नहीं है। वो वाकई में कितना भी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर लूंगा, सर फोड़ दूंगा, वो आपको वैसे भी नहीं समझ में आने। एग्जाम में वो स्किप करने के लिए बने होते हैं, ठीक है ना। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने डुएबल क्वेश्चन हम एग्जाम में सर्च कर सकते हैं उनमें ना फंसे। कई बार बच्चे इसको इस तरह का पैटर्न देख के अटक सकते हैं, लेकिन अटकना नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों, ओके। चलिए, ओके दोस्तों, तो जल्दी से कल से मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस और उसका क्लेरिकल प्रीलिम्स का बैच शुरू होने जा रहा है दोस्तों। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अनअकैडमी प्लस पे तो कर सकते हो, ये कोड लगाइए। और अगर आप अपने दोस्तों को भी रेफर करना चाहते हैं उनको भी करके दीजिए। अगर वो इंटरेस्टेड है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो आज ही उनको सजेस्ट कीजिए कि लोकेश लाइव ये कोड लगाना ना भूलें। इसकी वजह से स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। और कल से बहुत एकदम बढ़िया और एकदम क्रिस्टल क्लियर कोर्स हम लेके आ रहे हैं अकेडमी प्लस के ऊपर, जो आपको डायरेक्टली रिलेट करेगा टू योर प्रीलिम और मेंस, बोथ द एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो जो भी आपका टारगेट है वो हमारे साथ अचीव कीजिए और अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए दोस्तों। आपके सारे डाउट्स, आपके सारी चीज़ें मैं 100% अच्छे से कवर करवा के दूंगा। और टीचिंग इस तरह से रहेगा, तरीका आपने देखा ही है, कंटेंट भी आपने देखा है, किस लेवल पे हम कवर करते हैं, किस लेवल पे हम पढ़ा रहे हैं, तो उसी लेवल के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर फॉर माय सेशन। तो दोस्तों प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोस को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बीइंग देयर। यस, कोर्स का टाइमिंग देखो ऐसा है कि जो पीओ का कोर्स है मेरा, उसका टाइमिंग रहेगा 5:30 PM पे, और जो क्लर्क का टाइमिंग है वो रहेगा 4:30। और अगर आप लाइव सेशन मिस भी कर देते हो ना, तो आप बाद में ऑफलाइन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो ये फैसिलिटी है अनअकैडमी प्लस के हर लेक्चर में। और मेरा कोशिश रहेगा एक एक घंटे के लेक्चर में मिनिमम से मिनिमम 15-20 क्वेश्चन कवर किए जाएं, प्रीलिम लेवल के और मेंस लेवल के एटलीस्ट 7 या 8 बढ़िया क्वेश्चन कवर किए जाएं हर लेक्चर में विद प्योर एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कवरेज करवाना है, नहीं, समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं होगा जल्दी जल्दी आगे गाड़ी की तरह बढ़ा दिया जाएगा, हमें जो टारगेट मिला हुआ है 10-15 क्वेश्चन करने। नो, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल वैसा नहीं है दोस्तों। आप लोगों ने देखा है हम यूट्यूब पे इतना पेशेंस से पढ़ाते हैं, तो वहाँ और भी पेशेंस से पढ़ाएंगे। और जब तक आपको सबको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि क्वांट में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, समटाइम्स क्वेश्चन चाहे डिफिकल्ट हो चाहे ईजी हो, अगर ईजी क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया ना, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी नहीं बनेगा। तो इसलिए बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये मैं फर्म बिलीव करता हूं। इसलिए छोटे छोटे डाउट भी आप जो पूछते हो ना, मैं उसी समय क्लियर करने की कोशिश करता हूं यूट्यूब पे भी। तो अनअकैडमी प्लस पे भी मेरा वही टारगेट रहता है, बच्चों को मतलब जितना पढ़ाया जाए उतना समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, दैट इज माई थिंग, ओके। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे कल फिर 3 बजे और 7 बजे लाइव सेशन, तो यूट्यूब पे हमारे रहने ही हैं, तो यहाँ तो फॉलो करते रहिए और अपने दोस्तों को प्लीज सजेस्ट करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और ये क्वालिटी कंटेंट उन लोगों तक भी पहुंचे, ठीक है, ओके दोस्तों, टाटा, यस, गुड नाइट।